आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो एक सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का दायित्व भी बखूबी निभा रहे हैं। ये शख्स है केवल कृष्ण वडेरा, जिन्होंने अपनी उम्र की परवाह ना करते हुए आने वाली नस्लों के लिए इस धरती को जीने लायक बनाने के लिए जितना वो कर सकते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा काम वो इस अधेड़ उम्र में भी कर रहे हैं। झाड़ू मारने से स्वच्छता नहीं आएगी, एक बार झाड़ू मार दिया स्वच्छता नहीं आएगी। मैं सुकून की मैलों को भी जाके यही बोलता हूँ कि बच्चों को बोलो कि अपना माइंड सेट अप करें। हर कोई जानता है कि प्लास्टिक इस धरती को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी शायद ही कोई है जो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करता। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में वो खुद स्कूल जा जाकर बताते हैं और अपनी ही जमा पूंजी से बनाए गए कपड़े के थैलों को और छोटे छोटे पौधों को बच्चों को भेंट करते हैं ताकि बच्चे पर्यावरण का संरक्षण करें और दूसरों को भी सिखाएं। पत्नी के देहांत ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और उन्होंने अपने जीवन का एक ही मकसद बनाया और वो था समाज सेवा। वाइफ की डेथ हो गई, अब मैं बड़ा परेशान हो गया, बच्चे मेरे शादीशुदा से, तो मैं सोचा अब क्या करूं, कुछ नजर नहीं आया। भारत को स्वच्छ रखने के लिए अपनी जमा पूंजी से पोस्टर्स बनाते थे और स्कूलों के बाहर खड़े होकर बच्चों को देते थे। पोस्टर में स्कूलों में जाकर मैं बच्चों को स्कूलों के बाहर खड़ा करता था। लेकिन केवल पोस्टर बांटने से बात नहीं बनती थी, तो ऐसे में उन्होंने स्कूल में जा जाकर बच्चों को अपने देश और धरती माँ को साफ स्वच्छ रखने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए भाषण देने शुरू किए। पहला लेक्चर मैं अपने जमात के साथ बीकानेर गया हुआ था, तो वहाँ केवी स्कूल में वो पहला लेक्चर मैंने वहाँ किया। केवल जी कहते हैं कि पॉलिथिन से कैंसर होता है, तो इसका इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है ना, ये जो पॉलिथिन है ये कैंसर का कारण बनता है। उन्होंने शुरुआत में कपड़े के बैग लोगों में बांटने शुरू किए। छोटी छोटी चीजें जो हर किसी के बहुत महत्व की हैं, लेकिन कोई करता नहीं, जैसे घर में गीले और सूखे कचरे को अलग करना, आइसक्रीम या किसी वेस्ट प्लास्टिक के डिब्बे में पौधे लगाना। जो घरों में हमारे वेस्ट ही निकलती है ना, जैसे कोई डब्बा है आइसक्रीम का डब्बा है, या कोई प्लास्टिक की बोतल है, या कागज के डब्बे आते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे फेंकते हैं, हम कूड़ा कम से कम मार्केट में फेंके। उसका तरीका यही है कि हम इसको डिवाइड कर लें, कचरा को, सूखा और गीला को। ये सब बातें केवल जी बच्चों को समझाते हैं। कोरोना काल में उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने एम्स में डॉक्टरों को दिखाया। उम्र का तकाजा देखते हुए डॉक्टरों ने पहले तो कहा कि ऑपरेशन मुश्किल है क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी विल पावर और समाज के प्रति सेवा भाव को देख डॉक्टर भी बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टरों की पूरी टीम ने उनका ऑपरेशन किया और सफल हुआ। पहले लोगों ने मुझे इनकार कर दिया कि हम आपका बाबा जी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो। मैं काम तो कुछ नहीं करता हूँ, ये स्वच्छ भारत के ऊपर मैं अभी तक कोई, उस समय मैंने कोई 200 स्कूलों में भाषण किया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपस में टीम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा बाबा जी हम आपका प्रश्न जरूर करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि आप समाज के लिए इतना काम कर रहे हो, क्या हम आपकी लाइफ बचाने के लिए आपका प्रश्न नहीं कर सकते, तो मैं उनको भी सलाम करता हूँ, उन्होंने मेरा प्रश्न किया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद केवल जी वापस समाज सेवा में लग गए। इनका मानना है कि जितना वो बच्चों को स्वच्छता के बारे में भाषण देते हैं, उतना ही उनकी आवाज वापस आना शुरू हो गई और वो पहले से अपने आप को बहुत ज्यादा सेहतमंद समझते हैं। पेड़ पौधों लगाओ, जितने पेड़ पौधे लगेंगे वो उतना ही एनवायरनमेंट जो है ठीक होगा, और बाजार में जो कचरा कम से कम जाएगा एनवायरनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर एनवायरनमेंट को ठीक करना है तो उसके लिए हमें सबको काम करना है, मैं अकेले से ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा। एनवायरनमेंट अगर आपको अपना ठीक करना है तो हम सबको मिलजुल कर जो है प्लांटेशन करनी चाहिए। अगर हमें अपना स्वच्छ भारत का अगर हम सपना देखते हैं तो सिर्फ ये स्लोगन से पूरा नहीं होगा, इसके लिए हम सभी लोगों को जो है बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। और आज हमने आपको मिलवाया के वडेरा से, जो कि
काफ़ी समय से जो है अब तक 200 से भी ज़्यादा स्कूल्स में ये लेक्चर दे चुके हैं स्वच्छता को लेकर, और ये इन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई कि किस तरह से कितनी मुश्किलें आई, ऑटो गैरेज का ये काम करते थे और उसके साथ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आया तो इन्होंने इस तरह की मुहिम जो है छेड़ी और इस तरह से ये आगे बढ़े और लगातार इनकी लाइफ में कई तरह की टैकल्स इनका सामना इनको करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें आई लेकिन उन्होंने मुश्किलों को भी हरा दिया और खुद को आगे बढ़कर लाए हैं और सबको एक संदेश दे रहे हैं कि हमें स्वच्छता की ओर चलना चाहिए और सिर्फ केवल एक ही करने से नहीं होगा, हम सभी को कहीं ना कहीं अपने माइंड में इस तरह की सोच लानी चाहिए कि हमें स्वच्छ भारत करना, हमें पॉलिथीन फ्री अपना शहर करना है। अगले बड़े लेकर फिर मैं आज रहूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।